जानिब से, यानी उनका जो लैंडर विक्रम है उसने चांद के क्लोजअप कुछ इमेजेस भेजे हैं रिसेंटली, कुछ वीडियोस भेजी हैं जो इसरो ने जो है रिलीज की हैं। कैसी अंधेर नगरी और चौपट राज है, ये जुल्म हो रहा है हिंदुस्तान में। इंडिया भी पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा, गज़वा हिंद हम करके इंडिया को भी पाकिस्तान में शामिल कर लेंगे। सिर्फ 5 दिन रह गए हैं चंद्रयान 3 के चांद के साउथ पोल में सॉफ्टली लैंड करने के लिए। आपने वो जज्बा बताना, क्या हम उनके रॉकेट को नाकाम कर दें या कामयाब होने दें? नाकाम करना चाहिए। ओए होए होए सर, किस तरह से नाकाम करें, आप खुद जाएंगे सुपरमैन? हुआ कुछ यूं है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब और इब्राहिम रईसी साहब के बीच बातचीत हुई है। चांद में सबसे पहले आप देखेंगे सोलर पावर है। क्या है जी? सोलर पावर। आयरन मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है, कैल्शियम मौजूद है, टाइटेनियम मौजूद है। मुर्गी का गोश्त आपकी पहुंच से दूर है, आटा आपकी पहुंच से दूर है, सब्जी आपकी पहुंच से दूर है, छोटा गोश्त मटन आप नहीं खा सकते, सफर महंगा आप नहीं कर सकते, सादा सफर आप नहीं कर सकते, वैगनों में सफर करना मुश्किल हो गया है, दुकान पर ग्राहक नहीं है, लोग बिजली के बिल अदा नहीं कर सकते, लोग अपने बच्चों के सामान को बेच रहे हैं। हिंदुस्तान उस ग्रेविटी को पढ़ चुका है, इसरो मेडिकल क्या, और मैं कहता हूँ कि अगर हिंदुस्तान इसे एज अ वॉरफेयर यूज़ करता है उतरने के बाद, तो उसके पास ये टेक्नोलॉजी है कि वो जहाँ चाहे वो रिडार सिस्टम को फेल कर देगा, वो कम्युनिकेशन सिस्टम को ब्लॉक कर देगा। नमस्कार दोस्तों, अब हमारा चंद्रयान 3 मिशन सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां हमारी स्पेस एजेंसी इसरो ने पूरे देश को अपडेट देते हुए कहा कि अब चंद्रयान मिशन के रॉकेट से हमारे विक्रम रोवर अलग हो चुका है और वे मून के ऑर्बिट पर बस 100 किलोमीटर की दूरी पर रिवॉल्व कर रहा है। तो दोस्तों, अब विक्रम रोवर ने इसरो को मून की बहुत ही खूबसूरत वीडियोस भेजी है, जिसे देख करके पूरी दुनिया भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो की तारीफ कर रही है। और दोस्तों, इसके साथ साथ एक और बड़ी अपडेट आ रही है हमारी स्पेस इंडस्ट्री में, और वो ये है कि भारत अपना दूसरा स्पेस पोर्ट बनाने जा रहा है तमिलनाडु में। पहले हम सब जानते हैं एक स्पेस पोर्ट बना हुआ है हमारा श्रीहरिकोटा में, और अब ये भारत का दूसरा स्पेस पोर्ट होगा, जिससे हमारी स्पेस एजेंसी इसरो को काफी ज्यादा फायदा होगा। और इसके साथ साथ अगर भारत को स्पेस इंडस्ट्री में सुपर पावर बनना है तो दूसरा स्पेस पोर्ट भी काफी ज्यादा जरूरत है, ताकि भारत की काफी सारे मिशंस एक साथ कर सके। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। भारत का चंद्रयान 3 मिशन चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला है, चांद के बहुत करीब पहुंच चुका है, सिर्फ 5 दिन रह गए हैं उनकी लैंडिंग में। क्या कहेंगे इंडिया के चंद्रयान 3 मिशन पर आप? देखिए, सबसे पहले तो जैसे कि हमारे कैसे भी कॉम्प्लिकेशन चल रहे हैं इंडिया के साथ, हम शुरू से अपने आप को उनके साथ कंपेयर करते आ रहे हैं कि कैसे किस तरीके से उनको बीट किया जाए। देखिए, ये जो इस वक्त दौर है ना, ये है कोल्ड वार। इसमें आपने अगर किसी को हराना है ना, तो आप उसको डायरेक्ट अटैक करके नहीं हरा सकते। आप अपने आप को मजबूत करें, आप ऑटोमेटिकली जो है वो जीत जाएंगे। इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि किसी ने ना जापान के प्रेसिडेंट से इंटरव्यू में कहा कि अब तो आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी मॉडर्न आ गई है, तो आप अपना इंडिया जो नहीं अमेरिका से बदला क्यों नहीं ले लेते हिरोशिमा और नागासाकी का? उन्हें कहा कि हम जीत चुके हैं उनसे। उन्हें कहा कैसे? कहता है दुनिया की सेफेस्ट प्लेस जो है ना वाइट हाउस, उस पर जाके जो ताला लगा हुआ है ना, उस पर लिखा हुआ मेड इन जापान। यानी कि उन्होंने क्या किया कि अपनी टेक्नोलॉजी की जरिए उनको बीट किया है, कि आज उनको अपनी सिक्योरिटी के लिए किसकी मदद लेनी पड़ रही है? जापान की। यही काम इंडिया ने भी किया है कि उन्होंने ये नहीं देखा कि यार हमने पाकिस्तान को हराना है, उन्होंने कहा कि हमने अपने आप को मजबूत करना है। तो इसके लिए उन्होंने अपनी सबसे पहले तो एजुकेशन पे जोर दिया है। एजुकेशन पे आप देखेंगे इस वक्त हमारे तकरीबन पढ़े लिखे ग्रेजुएट क्या PhD भी अगर आप लोगों से पूछेंगे ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, उनको नहीं पता इस बारे में कि वो होती क्या है। तो इंडिया में इस वक्त एज अ सब्जेक्ट जैसे हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री है, उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट भी ऐड हो चुका हुआ है। तो डेफिनेटली फिर उनके बच्चे जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ेंगे तो उनके नज़दीक तो फिर और ख्वाहिशात पैदा होंगी कि इसके ज़रिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस वक्त हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उस पर फ़रोग दिया जाए, उसको बेटर किया जाए, मॉडर्न एजुकेशन को जो नहीं है लोगों को टीच किया जाए, तो मैं समझता हूं कि फिर इस तरह हम इंडिया को कम्पीट कर सकते हैं। आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि जापान के हवाले से कि उनके जो है सिक्योरिटी
किस तरह दी जा रही है। अब आप ये देखें कि इंडिया ने भी तो चांद पर अपना झंडा लगा कर ये साबित कर दिया ना कि आज वो कहाँ पर खड़ा है और पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है। हम हमेशा जो है इंडिया के साथ हर चीज़ में इतना मुकाबला करते हैं, लेकिन आज इंडिया का जो झंडा है वो चांद पर पहुंच गया और हम इसी बात पर फख्र करते रह गए कि जी हमारे चांद में झंडा है और बॉर्डर पर हमारे जो सिपाही हैं, हमारा जो फौजी है, उसकी टांग जो है वो इंडिया के फौजी की टांग से ऊपर होती है। मुझे लगता है जो हमारी दोनों मुल्कों के दरमियान की जंग थी वो इंडिया वो जंग जीत चुका है और शायद बहुत अरसा पहले जीत चुका है। देखिए, ये टांगे उठाना या इस तरह की बातें करना, ये तो मैं नहीं समझता कि कोई जेब देता अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि आपके सामने है कि इस वक्त हम जो इस वक्त दौर है ना वो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। मैंने पहले भी बात की है इंडिया के हमसे आगे बढ़ने की वजह क्या है। आपने एक नाम सुना होगा इंडिया की कंपनी है टाटा कंपनी। हमारे पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 6 लाख वेब डिवेलपर हैं और उस अकेली कंपनी में जो नहीं 8 लाख डिवेलपर हैं। उनके 67 जो यूथ है ना 67% वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बहुत ज़्यादा करीब है। मींस के उनका आईटी के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक है, डेवलपमेंट के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। तो मैं चाहता हूँ कि इस वक्त हमारी जो यूथ है ना इसको चाहिए कि अपना रुझान जो है वो आईटी की तरफ बढ़ाए जैसे जैसे भी करके। बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पॉडकास्ट मिल सकते हैं, आप उनसे जो है मॉडर्न एजुकेशन हासिल करें। तो बेहतर है कि अपने आप पे फोकस करें कि बजाय कि इंडिया क्या कर रहा है, जापान क्या कर रहा है, हमें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान से खाते हैं, तो बेहतर है कि हमें पाकिस्तान से मोहब्बत करने का सबूत जो है वो यही है कि हमें इसको खूबसूरत बनाया जाए। सर, मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ जो इंडिया के जो चंद्रयान मिशन है उसने भेजी हैं। ये सर वो कुछ पिक्चर्स हैं जो इसरो ने रिलीज़ किए हैं। ये क्लोजअप है चाँद के जो चंद्रयान 3 ने चाँद से भेजे हैं। देखिए, वो तो डेफिनेटली जितनी कर वो कोई आज से तो नहीं कोशिश कर रहे, तकरीबन 2 साल पहले भी अगर देखा जाए तो 4 साल पहले चंद मील के फासले से जुनिया वो रिटर्न हुए थे। तो वो मोदी को बकायदा जुनिया कैमरे में रोते हुए भी लोगों ने देखा, बड़े हंसते कि लो जी कितने बिलियन डॉलर्स का जुनिया नुकसान हो गया। हिंदुस्तान उस ग्रेविटी को पढ़ चुका, इसरो मेडिकल क्या, और मैं कहता हूँ कि अगर हिंदुस्तान इसे एज अ वॉरफेयर यूज़ करता है उतरने के बाद, तो उसके पास ये टेक्नोलॉजी है कि वो जहाँ चाहे वो रेडार सिस्टम को फेल कर देगा, वो कम्युनिकेशन सिस्टम को ब्लॉक कर देगा, और उनके उनके जो जो उनके उनके उनकी साइबर सिक्योरिटी है वो दुनिया के किसी भी साइबर सिस्टम में एंटर होकर उसे विद इन अ मिनट्स वो उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे, नाकारा कर देंगे। वो जहाँ चाहे जहाँ से डेटा ले सकता है, अब उनसे कुछ नहीं छुपा। इवन अगर वो मुझे चाहें तो मेरा थंब इम्प्रेशन देख सकते हैं कि वाकई मैं काशिफ महमूद सलमानी हूँ, ये मुजम्मिल कुरैशी हैं, और नीचे बैठ के ये कह देना कि चाँद नीचे से नज़र आता है, ऊपर जाने की क्या ज़रूरत है। देखिए, चाँद पे एक चीज़ है सिलिकॉन, एक चीज़ है टाइटेनियम, टाइटेनियम सिलिकॉन। अगर हिंदुस्तान ये धातु वहाँ से लेकर आता है, और मैं कहता हूँ कि ये एक रेवोल्यूशन होगा, क्योंकि इंडियन दे आर वेरी फास्ट इन द रिसर्च, दे आर पीपल ऑफ प्रैक्टिकल मैनर्स। वो थ्योरी का वर्क नहीं करते, वो प्रैक्टिकल काम करते हैं। हमारे यहाँ स्पार्को था, मैंने अपने ऑफिसर्स देखे, बल्कि मैंने क्रिटिसाइज़ भी किया कि क्या बड़ी टाई और कोट लगा के बैठे हुए आप, क्या किसी गर्लफ्रेंड से मिलना है, आपकी आपकी कोई मैरिज पार्टी है, कोई एंगेजमेंट है, तो आप रिसर्च सेंटर में क्यों नहीं बैठे, आपको तो कंप्यूटर के सामने होना चाहिए था। जब आप उनसे पूछते हैं कि भाई ज़मीन के गिर कितने सारे घूम रहे हैं, ग्रेविटी पावर क्या है, ये मैग्नेट सिस्टम क्या है, ये फुल मून, हाफ मून, क्वार्टर मून, ये इसका क्या प्रोसीजर है, तो उन्हें नहीं पता। नहीं पता। और सर, हमने इतना बड़ा रिसर्च सेंटर खोला हुआ है और यहाँ पर बिलियन ऑफ डॉलर्स हम मंथली लगा रहे हैं, मंथली के बाद सालाना भी लगा रहे हैं, तो सर अभी देखेंगे इंडिया का जो इसरो है वो उनको जनरेट करके दे रहा है, उनकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर रहा है। अभी वो स्पेस टूर मिशन भी एक लॉन्च करने जा रहे हैं, उसके बाद वो सन मिशन भी उनका लॉन्च होने जा रहा है। सर, वो डे बाय डे डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं।